ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर से फरवरी के दौरान पड़ी भीषण गर्मी की वजह से नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से नीचे आ रहा है। सिडनी में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जल स्रोत 1940 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं। स्थिति से निपटने के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रशासन को एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लागू करने पड़ रहे हैं। प्रशासन ने जो नियम तय किए हैं उनके मुताबिक नल को खुला छोड़ना भी अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। इसके अतिरिक्त किसी ने अपने बगीचे में पानी डालने के लिए स्क्रिंपल सिस्टम का इस्तेमाल किया तो जुर्माना भरना होगा। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने पानी बर्बाद किया तो उस पर 10,613 रुपये और संस्थान पर 26,532 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंध एक सप्ताह तक लागू रहेगा। 2019 में भी लागू किए गए थे इस तरह के जो नियम हैं, लेकिन वो जो है ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से जनता के बीच में लागू नहीं हो पाए थे। और पानी की बर्बादी रोकने के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रशासन ने 2009 में प्रतिबंध लागू किए थे इसी के संबंध में। लेकिन सिडनी के कुछ इलाकों में यह दशकों बाद आज भी लागू है, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर इस तरह के जो रूल्स हैं वो कम प्रचलन में देखे जा रहे हैं। उसी दौरान भी पानी की जो बर्बादी पर जो है कड़ा रुख अख्तियार किया गया था और जुर्माने का प्रावधान किया गया था। कुछ अर्सा पहले सिडनी की मरे डार्लिंग नदी में पानी की कमी से बहुत सारी मछलियां मर गई थी। चुनाव में भी यह बात मुद्दा का कारण बनी थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नदी में पानी का बहाव कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, मछलियों के मरने की वजह उनका दम घुटना रहता है। साउथ ईस्टर्न स्टेट की जल मंत्री मेलिंडा पवे का कहना है कि सारा इलाका भीषण सूखे से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। प्रतिबंध इसी वजह से लागू किए गए हैं।